नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेस के द्वारा एक बहुत ही सुंदर शॉप को डिजाइन बना करके दिखाएंगे। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे, सिंपल सी एक हमने यहाँ पे 25 रुपए पर मीटर की ये लेस ली हुई है और इसके साथ में हमने डालने हैं पिंटेक्स। तो पिंटेक्स और लेस का काम आज करेंगे बहुत ही सुंदर सी नेकलाइन के ऊपर। तो दोस्तों, पिंटेक्स का काम करने के लिए हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया हुआ है, अलग से कपड़ा लिया हुआ है। सेम हमने जो हमारी कमीज वाला कलर है वही उसी का कपड़ा लिया हुआ है। इसकी लेंथ देखेंगे इस तरीके से चौड़ाई वाली, तो ये आएगी हमारी 13 इंच 13 इंच, और ऐसे देखेंगे तो ये आएगी हमारी 17 इंच। तो 17x13 का ये हमारा पीस होगा। इसमें हमें पिंटेक्स का काम करना है, तो इस एंगल में इसको हम फोल्ड कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल जहां सीधा बैठेगा वहां पे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक किनारी की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने एक पिंटेक्स यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम दूसरा पिंटेक्स डालेंगे, तो यहाँ पे हम आधा से 1.25 इंच का गैप रखेंगे। आप कम ज्यादा गैप रखना चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 इंच तक का भी गैप अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पिंटेक्स डालूंगा। तो ये देखिए, हमने 3 पिंटेक्स यहाँ पे डाल लिए हैं पूरे पीस में। हम इसी तरीके से इस साइड भी और इस साइड भी पिंटेक्स का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक साइड की पिंटेक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दूसरी साइड के पिंटेक्स डालने हैं, तो दूसरी साइड के पिंटेक्स भी हम यहाँ पे इस तरीके से ही डालेंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक पिंटेक्स ये डाल दिया है। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी और इस साइड भी बराबर बराबर गैप रखते हुए पिंटेक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड के भी पिंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और साइज जो है यहाँ पे ऐसे लेंथ देखेंगे तो हमारी 14.5 आएगी, और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे हमारी तकरीबन 11 इंच की आएगी। अब हमें इसे एक साइड ऊपर की साइड छोड़ देना है और बाकी हमें आधा आधा इंच यहाँ पे फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाहर की साइड ये फोल्ड कर लिया है, एक साइड हमने छोड़ी है, ये ऊपर रहेगी हमारी नेक लाइन के। अब हमें यहाँ पे एक नेक कटिंग करना है। आप यहाँ पे कोई भी नेक बना सकते हो, स्वीट हार्ट, राउंड से, बोट नेक, जो आपको अच्छा लगता हो वो वाला नेक आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो बुकरम का। तो मैंने यहाँ पे एक नेक कटिंग किया हुआ है बुकरम का, राउंड शेप का, और ये थोड़ा ब्रॉड रहेगा। ये ब्रॉड रखा है हमने 7 इंच। इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं, सेंटर का ध्यान रखें और सेंटर में यहाँ पे चिपका लेंगे। नेक आप कोई भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे राउंड बनाया है तो आपने भी राउंड बनाना है, आप कोई भी नेक यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेक लाइन अपनी पेस्ट कर ली है। नेक लाइन चिपकाने के बाद अब हमें इसको फ्रंट के ऊपर ज्वाइंट करना है। तो रॉन्ग साइड जो होगी ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से रखेंगे पूरे पैच को, और बुकरम के साथ साथ में लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। Thank you.
तो ये देखिए दोस्तों, हमने पैच तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, नेकलाइन भी कंप्लीट हो जाती है। अब लगानी है हमें यहाँ पे लेस। तो लेस आप किस भी एंगल में लगा सकते हो, अगर आप पहले ऐसे लगाना चाहें और फिर ऐसे लगाना चाहें तो वो भी अच्छी लगती है। अगर आप इस एंगल में भी लगाना चाहें और फिर बाहर की साइड लगा दें तो वो भी इसमें अच्छी लगती है। जैसे मर्जी ये है, जैसा मन करे आप उस तरीके से यहाँ पे लेस ये लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल सिलाई से बाहर की साइड लगा के दिखाऊंगा, फिर हम बाहर की साइड ऐसे क्रॉस सिलाई लगा लेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो एक सेंटर की सिलाई, पहले सेंटर की सिलाई से हम लगाएंगे यहां पे। यहां से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरीके से इसको यहां पे जोड़ेंगे ऐसे। ये प्रॉपर अच्छे से सेट आनी चाहिए, ये ध्यान रखें। इस तरीके से ये तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बाहर की साइड लेस लगा ली है, जहां जहां पे सिलाई थी सिलाई के ऊपर ही हमने स्टिचिंग कर ली है, और यहाँ पे सेंटर में हमने तीन इसी में से फ्लावर छोटे छोटे से कटिंग करके लगा दिए हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा भी लगा सकते हो, पूरा भरवा भी लगा सकते हो। इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बना सकते हो, एक सिंपल सी जो मल्टी कलर की लेस आती है उसके साथ में। और ये किसी भी कलर के ऊपर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें गोल्डन और मल्टी कलर है तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको सिंपल सी एक कुर्ती का डिजाइन बताया है, जिसमें हमने पिंटेक्स का लेस का काम किया है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।